इलेक्ट्रिकल में तो बहुत सारा ड्राइंग होता है कि, लेकिन एक जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये एक लाइटिंग का ड्राइंग है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लाइटिंग का ड्राइंग है, और ये जो दूसरा देख रहे हैं जो पावर का ड्राइंग है। इलेक्ट्रिकल में बहुत सारा होता है, लाइटिंग, पावर, फायर, इमरजेंसी, BMS, आप अर्थिंग, SMD, बहुत सारा ड्राइंग होता है। लेकिन इसमें जो आपको समझना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पावर, और दूसरा जो है लाइटिंग है। तो मैं आपको लाइटिंग और पावर के बारे में दिखाना और समझाऊंगा, ठीक है? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पावर का ड्राइंग अगर देखना, देखने से पहले उसका सिंबल देखना जरूरी होता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सिंबल है, ये जो है डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपका माउंटिंग आउट है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सिंगल सॉकेट है, ये डबल सॉकेट है, और दोनों जो है 13 एम्पियर का है, ये भी 13 एम्पियर का है, डबल है। मतलब ये देखिए आपको लिखा हुआ है डुप्लेक्स, मतलब ये डबल रहेगा। और एक कितना हाइट पर लगेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 400 mm पर लगेगा, ठीक है फ्रेंड? उसका सेकेंड में जो है देखिए यहाँ पे वेदर प्रूफ सॉकेट है, यहाँ पे WP लिखा हुआ है, ये भी डबल पे लिखा हुआ है, ये जो है डबल है, ये है सिंगल है, ठीक है? ये कितना हाइट पर लगेगा तो यहाँ पे 1100 mm पे लगेगा, FFL से टॉप में लगेगा, ठीक है? सेकेंड थर्ड में आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आउटलेट, ये भी है आउटलेट, ये है 13 एम्पियर का आउटलेट, ये यहाँ पर 20 एम्पियर का आउटलेट है। कहाँ लगेगा? नियर इक्विपमेंट, नियर इक्विपमेंट। इसका मतलब है जैसे एफसू है, एफसू के पास लगेगा, VAB है, VAB के पास लगेगा, वाटर हीटर है, वाटर हीटर के पास में ही लगेगा। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो समझने वाला चीज है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे आपका ये है DB है, DB, ठीक है? FDB लिखा हुआ है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लिखा हुआ है। ये कितना पड़ेगा तो 18 एकदम टॉप पर लगेगा। और सेकेंड में जो है इसमें क्या है आपका SMDB है, SMDB कितना पड़ेगा तो ये आपको 2000 mm में लगेगा, मतलब 2 मीटर इसका, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ का पैनल, तो टॉप ऑफ पैनल में लगेगा। थर्ड में क्या है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल कितना पड़ेगा तो 1800 mm, यहाँ पे देखिए 1800 mm, मतलब ये भी आपका इसका भी टॉप रहेगा, ठीक है फिर? तो ये है हमारा पावर ड्रॉइंग का सिंबल और उसका इम्पोर्टेंट चीज, ये देख लीजिए, उसके बाद आपको हम ड्रॉइंग दिखाएंगे। सिंबल के बाद कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज होता है ना ड्रॉइंग में, तो वो आप ये वाला इम्पोर्टेंट लोकेशन देख के समझ सकते हैं कि ये वाला इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्या है और क्यों ये दिया रहता है ड्रॉइंग में, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ अक्सर किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि अक्सर ही लोग बताते नहीं है कि जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए बता रहा हूँ आपको, आखिर ये है क्या, तो ये दिखा रहा है कि देखिए एक डोर है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है डोर, डोर है, और डोर के पास एक आपको स्विच लगाना है, तो आप कितना हाइट पे लगाएंगे और डोर से कितना डिस्टेंस लेंगे वो ये चीज बता रहा है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 300 mm दिया गया है, कि 300 mm से आप बॉक्स स्टार्टिंग करेंगे और नीचे से 110, 1100 mm लेंगे, और 1100 mm में क्या है बॉक्स का टॉप है, तो एक यहाँ पे क्या करेंगे एक स्विच का आएगा, और इस स्विच से जो दूसरा स्विच होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर यह कितना है 110 mm, मतलब 1100 सेंटी है, ठीक है फ्रेंड? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्विच फॉर लाइट्स, और वही जो आप ये वाला देख रहे हैं ये है सॉकेट, डबल सॉकेट, ये भी है डबल सॉकेट, सिंगल सॉकेट, और ये वाला जो है देखिए TV का आउटलेट है, और ये है आपका वॉइस डेटा आउटलेट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? तो इसका क्या देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो आप FFL होगा, जो नीचे से फिनिशिंग लेवल होगा, वहां से आपको 400 पे ये वाला जो बॉक्स है 3 6 बाई डबल जो स्विच सॉकेट है उसका सेंटर आपको रखना है, ठीक है? उसका जो अलाइनमेंट होता है, जो हाइट होता है, ठीक है, उसका सेंटर रखना है। और इसको क्या करना है, अगर दो बॉक्स आप एक ही जगह आ रहा है, ठीक है, तो एक बॉक्स से दूसरा बॉक्स का जो गैप होगा वो गैप कितना होगा 170 mm, वो भी कौन सा है, एक सॉकेट का सेंटर से दूसरा सॉकेट का सेंटर। अगर बाई द वे एक डबल है फिर वहां पे एक सिंगल सॉकेट आ रहा है, तो वहां पे आप 140 जो है mm रखेंगे सेंटर टू सेंटर बॉक्स का गैप रखेंगे, ठीक है? अगर फिर अगर बाई द वे आपका एक सिंगल सॉकेट है और फिर वहीं पे आपका एक आपका ये TV का आउटलेट आ रहा है, तो उसका जो गैप होगा कितना होगा 110, और फिर अगर वहीं पे वॉइस डेटा आया तो उसका भी होगा 110। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताया हूँ, जो हमेशा याद रखिए, कभी भी आप ड्राइंग देखने जा रहे हैं, ड्राइंग आपको मिलता है तो पहले सिंबल देखिए, सिंबल के बाद ये वाला जरूरी चीज देखिए, ठीक है फिर? तो आइए आपको और भी आगे कुछ दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग का जो देखने से पहले सबसे पहले आपको पहचानने का जो जगह होता है, ये देखिए ना, तो एक पार्टीशन है, ये जो देख रहे हैं आप एक पार्टीशन दिया गया है, ये पार्टीशन का सिंबल है, मतलब कैसे कैसे वॉल है, जिप्सम बोर्ड टाइप ये बताया गया है, ठीक है? एक लाइनिंग है, ठीक है, ये जो देखेंगे ना ये लाइनिंग है, इसी लाइनिंग से पहचानते हैं, नहीं तो हमारा जो स्टेयर कोर्स होता है, जैसे देखिए स्टेयर कैसे, स्टेयर कैसे हम लोकेशन चेक करते हैं, किसी भी ड्रॉइंग आप लेते हैं तो सबसे पहले उसका स्टेयर कैसे देखिए, कलम देखिए, कलम से भी पहचानते हैं और स्टेयर कैसे भी पहचानते हैं, ठीक है?
तब इस लोकेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जाएंगे कैसे। देखिए ये वाला लोकेशन है हमारा, यहाँ से इन होंगे और फिर इधर से आके फिर इसमें इन होंगे। एक बाथरूम का ड्रॉइंग है, ठीक है मैम। तो देखिए यहाँ से इन होंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आउटलेट हमारा एक पॉइंट है जो FFL मतलब FFL का अभी हाई लेवल में लाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर जाते हैं आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर एक यहाँ पे डोर है जो अंदर के साइड में जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे एक डोर है जो बाहर के साइड में, और इस एरिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, फिर इसमें जाते हैं, तो इससे पहले देखिए यहाँ पे सॉकेट है, फिर एक ये सॉकेट है, तो इसका जो वायर है वो यहाँ पे आया है, फिर ये वाला वायर इधर आया हुआ है, ठीक है। तो एक सॉकेट से दूसरा सॉकेट, दूसरा सॉकेट से ये जो है तीसरा सॉकेट, तीसरा सॉकेट से देखेंगे तो इस सॉकेट में गया हुआ है, और फिर इस सॉकेट से यहाँ पे गया है, यहाँ से आपका ये DB चला गया है, यहाँ पे जहाँ भी ये सर्किट का नाम लिखा हुआ है यहाँ से ये DB चला गया, ठीक है मैम। फ्रेंड्स, अभी तो मैं हमने आपको पावर का ड्राइंग दिखाया था, पावर के बारे में बताया था, लेकिन अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ये लाइटिंग का। अभी मैं आपको दो ड्राइंग दिखाया था कि लाइटिंग और पावर का। तो पावर का तो देखिए, ये लाइटिंग का, और लाइटिंग का सिंबल देखिए। देखिए यहाँ पर भी सिंबल है, और ये है आपका डिस्क्रिप्शन, और ये है आपका माउंटिंग एंड हाइट। तो सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट इसमें कौन कौन सा चीज है। इम्पोर्टेंट इसमें आप ये स्विच है, ये वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 1 2 3, जैसे इस स्विच का यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक 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 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये 3 है, मतलब ये सिंगल स्विच है, ठीक है, सिंगल स्विच है। और ये है 1 गेन 2 गेन और 3 गेन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच का एक है वो, ये है वो सिंगल, ये है डबल, और ये है 3 गेन, मतलब गेम के लिए दिखाया गया, ठीक है। तो ये है दो, एक दो मुंडी आप देख रहे हैं ना, एक इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, ये हो गया 2 वे। और इसमें जो सिंगल सिंगल निकला हुआ है, ये है सिंगल स्विच। यहाँ पर अगर अच्छे से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1 2 एंड 3 गेन 1 वे, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 गेन 2 वे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये देख के और पढ़ के भी थोड़ा समझ सकते हैं। और ये स्विच जो है कितना हाइट पर लगेगा, 1100 mm FFL टॉप लगेगा, ठीक है। जो स्विच होगा उसका टॉप जो है 1100 mm में का टॉप आएगा, ठीक है फिर। तो ये जो है लाइटिंग का डिस्क में समझने वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसमें एक्चुअली बता दूंगा आपको कि इसमें बहुत सारा, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल देख रहे हैं सब कुछ सारा एक ही जैसा दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा ये दो अलग दिख रहा है। ये डी टाइप का लाइट है, देखिए यहाँ पे DL 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 DL, जितना देख रहे हैं सब डी डी करके डी टाइप का लाइट है, जो कि हमारा सीलिंग में लगता है। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि सीलिंग में लगता है, ठीक है फिर। तो आप सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट वाला चीज देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये जो दो चीज है वो आउटलेट है, ठीक है। और ड्रॉइंग देखना आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी लोकेशन का मैं आपको पावर का दिखाया था, इसी लोकेशन का आपको मैं लाइटिंग का भी ड्रॉइंग दिखा रहा हूँ। अब देखिए उसमें भी आप देखे होंगे तो ऐसा एक लोकेशन होगा जहाँ पे एक डोर होगा, जो हम यहाँ मेन्स बाथरूम में जा रहे हैं, और फिर यहाँ से अगर बाहर आ पाते हैं तो फिर यहाँ से एक डोर होगा जो कि हम फीमेल वुमेन्स रेस्टरूम में जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें समझने वाला जो चीज है ना, आपको मैं बता रहा हूँ क्या समझने वाला चीज है। जैसे देखिए आप यहाँ से एंट्री में किए, यहाँ पे करने के बाद देखिए कि एक लाइट का सिंबल ये है, ये दूसरा लाइट है, तीसरा लाइट है, ये देखिए ये लाइट लगा हुआ है। तो अब जैसे ये इमरजेंसी हो गया, ये नॉर्मल हो गया, फिर ये इमरजेंसी हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये इमरजेंसी हो गया। इसका जो आप ये देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे इसका एक कनेक्शन भी दिखाया गया है कि इस लाइट से आपका यहाँ पे वायर आएगा, फिर इस लाइट से यहाँ पे जाएगा, इस लाइट से फिर इधर गया, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे गया। ऐसे करते करते सारा लाइट एक दूसरे से लूप है और कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आप जो ये जो देख रहे हैं ना इमरजेंसी वाला, ये कनेक्टेड नहीं है, इसका वायरिंग नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसका ड्रॉइंग अलग है। इमरजेंसी का ड्रॉइंग में अगर आप देखेंगे तो इस लाइट का आपका कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। लोकेशन भी बिल्कुल देखिए सेम है, यहाँ से आप एंट्री किए, फिर इधर गए, फिर यहाँ जाने के बाद देखिए एक ये डोर है, ये बाथरूम है, और एक ये बाथरूम है। फिर यहाँ से अगर आप बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे एंट्री किए, देखिए एक यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ये जो है ना देखिए एक लाइट है। फिर यहाँ पे गए, फिर देखिए यहाँ पे एक वॉल है, वॉल में भी सेम सेम वैसे ही लाइट दिया गया, 1 2 3 4 लाइट दिया गया है। इसमें ये नॉर्मल लाइट है, ये नॉर्मल लाइट है, और ये दो इमरजेंसी का लाइट है, ठीक है फिर। तो ये जो है आप ऐसे गए, और जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक रूम है, बाथरूम है, और एक बाथरूम है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना सिंबल, ये है एक्सिस एक्सिस डोर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स सीलिंग एक्सिस डोर का जो सिंबल है, ठीक है फिर। तो ये वीडियो कैसा फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कॉमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो भी बताइए, अच्छा नहीं लगा तो भी लगाइए, कोई क्वेश्चन है तो भी बताइए, हम आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।